ओके जी, स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर जो हमारे बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब आप होम टैब के इस ऑटो सम के अंदर आते हो तो यहाँ पे हमारे कुछ गिवन बेसिक फार्मूलाज होते हैं जिनका काम क्या होता है, हम इनको क्यों यूज करते हैं, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो है सम, जिसका काम क्या है, इन नंबर कुछ मल्टीपल नंबर्स को जोड़ना, राइट। अब हमारे पास यहां पे ऑटोमेटिकली एड अप टू, यहां पे देखिए छोटे छोटे जो है वो कुछ सैंपल्स दिए गए हैं किस तरह से अप्लाई होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब आप किसी भी फॉर्मूला के ऊपर हॉवर करते हैं तो एमएस एक्सेल 2016 के अंदर एक क्या है, हिंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड ओवरऑल। देखो यहां पर आपका पूरा फॉर्मूला उसकी डेफिनेशन सही है, सम अल्ट प्लस इज इक्वल, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इस तरह से आपको कुछ चीजें बता रहा है। ऑटोमेटिकली एड, क्या एड करता है ये, एडिट अप योर टोटल विल अपीयर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, यानी इस तरह से आपकी नंबर ऑफ वैल्यू जो है हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, जमा करते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डमी वैल्यूज हम क्रिएट कर लेते हैं, रेंडम नंबर्स कुछ भी लिख दो, ठीक है, फिर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर से कंट्रोल के साथ ड्रैगिंग करेंगे तो आपके नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इसमें जुड़ते जाएंगे। और अगर आप इन नंबर ऑफ वैल्यूज को सम करना चाहते हैं, सही है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू एस यू एम स्टार्ट अ ब्रैकेट एंड सिलेक्ट ऑल द नंबर्स व्हिच यू आर गोइंग टू सम, सही है। तो ये A1 से लेकर C8 तक, यानी A कॉलम की हेडिंग है, सही है, और रो की हेडिंग 1 है, यानी पहले कॉलम के पहले रो से लेकर C कॉलम के 8वें रो तक ये क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज को जोड़ देगा, जमा कर देगा, सही है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का सम मिलेगा या जमा मिलेगा, सही। इसके साथ एक दूसरा फार्मूला आता है जिसका काम हमारे पास होता है एवरेज निकालना, सही है। एवरेज का फार्मूला मोस्टली जो हमारे टेस्ट आते हैं गवर्नमेंट वगैरह के, उनके अंदर आपसे पूछा यह जाता है कि कौन सा फार्मूला एक्सेल का नहीं है, तो एवीजी का एक ऑप्शन बच्चे टिक कर लेते हैं, सही है। तो एवीजी फार्मूला नहीं है, पूरा एवरेज ही लिखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले इस एवरेज फार्मूले का पर्पस क्या होता है, कैसे एवरेज मिलती है। देखें, अगर मैं मल्टीपल नंबर्स की एवरेज निकालना चाहता हूं, सपोज 2, 4, 5, इनकी मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए एवरेज कुछ इस तरह से निकलेगी कि जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको क्या करो, एवरेज कुछ इस तरह से निकालेंगे आपके यहां पे आके, ठीक है, आपने एवरेज के साथ इज इक्वल लगाया और मैं चाहता हूं कि क्या हो, यहां पे आके आप सम करेंगे टोटल नंबर्स को और जितने भी नंबर है, यानी टोटल नंबर कौन से, 3 नंबर है ना जिनका आपको सम करना है, 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, तो आपको जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम करना है और जितने नंबर हैं जिनका आपने सम किया है वो कितने, 3 है ना, तो उनके साथ अगर डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यूज आपस में जमा करो तो कितनी बनती हैं, 11, तो इनका हमने सम कर लिया, ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 3, तो इसके साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कभी भी आप जब एवरेज सैलरी निकालते हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं, है ना, कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक, तो आपके क्या है, यहां पर इस तरह से यह फार्मूला काम करता है कि टोटल वैल्यूज को आपस में सम करें और कितनी वैल्यूज है, टोटल 3 है, 4 है, 15 है, जिनको आप सम कर रहे हैं उनके साथ डिवाइड कर लो तो आपको क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। तो ये खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में ये काम एक्सेल अपने एक फार्मूला इसका गिवन है जिसके थ्रू कर लेता है।
तो ये हम सब मालूम कर रहे थे। इसी तरह से एवरेज लिखेंगे आप, एवरेज इस तरह से मालूम होगा, इजिक्योर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एवरेज, सही है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपको सिर्फ वैल्यूज देनी है कि किस नंबर ऑफ वैल्यूज की आपने एवरेज निकालनी है। तो सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज, कवर अ फॉर्मूला विथ राइट एंगल, सॉरी राइट पैरेंथेसिस एंड एंटर। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू है, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें 15.2 कोई ऐसी वैल्यू है जो मेजॉरिटी या रिलेटेड वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी जितनी भी गिवन वैल्यूज है ना 15 के अरीब करीब एवरेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से, इसी तरह से हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं, ये देखें, इसी को अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये भी है कि आप जहां पे कर्सर रख के बैठे, सपोज यहां पे है ना, यहां पे है, आपको सम करना है, तो यहां पे सेल रखें और यहां से आके ऑटो सम पे क्लिक कर दें, ये देखें, तो ये सम कर देगा। उनसे क्लियर है? तो डायरेक्ट भी सम कर सकते हैं। इसी तरह से एवरेज निकालनी है, यहां पे कर्सर रखें, आपको एवरेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, चलो सिर्फ कर्सर यहां रखें कॉलम के नीचे और इसको ओपन करें, एवरेज पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ऊपर वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा और उसकी एवरेज निकाल के दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये फंक्शनलिटी भी एमएस एक्सेल 2016 के अंदर है, अगर आप चाहते हो तो इस तरह से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा फार्मूला है जो बेसिक फार्मूलाज के अंदर आता है या बेसिक फार्मूलाज की कैटेगरी के अंदर आता है, वो है काउंट नंबर्स। अब काउंट नंबर्स का काम क्या है कि जितने भी सेल हैं वो सिर्फ सेल काउंट करके दे जिनमें वैल्यू पड़ी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं उनको काउंट करके बता दे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो ये वैल्यू नहीं जोड़ेगा, सिर्फ बताएगा टोटल सेल कितने हैं जिनमें वैल्यू पड़ी है। टोटल सेल कितने, 3 है ना, तो सेल का काउंट करके बता देगा जिनमें वैल्यूज पड़ी है। ठीक हो गया? तो मैं अगर यहां पे आके एक फार्मूला लगाता हूं काउंट का, तो आप वो कर सकते हैं। सपोज मैं यहां आता हूं, इससे पूछता हूं काउंट इज इक्वल, देना लाजमी है फार्मूले के अंदर, फिर अगर आप काउंट लिखते हैं तो फिर आपका फार्मूला काम करेगा। अगर आप वैसे ही विदाउट इजिक्योरिटी के लिखते हैं तो फिर वो फार्मूला नहीं कहलाएगा, सही है, वो टेक्स कहलाएगा। और फिर आप उसको रेंज बताएंगे कि ये पूरा कॉलम हमें काउंट करके दो, या दो कॉलम काउंट करके दो, या 3 कॉलम काउंट करके दो, कि टोटल नंबर कितने, सही है। और मैं यहां पे आके इसको कवर करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये बता देगा टोटल वैल्यूज कितनी है, 24 है, सही है। इसी तरह से एक और फार्मूला है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम या मिनिमम। ये हमारे मोस्टली काम आते हैं जब आप चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सपोज मैक्सिमम फीस कौन दे रहा है बच्चा, मैक्सिमम सैलरी किस जो है एम्प्लॉय की है, ठीक है, इस तरह के कोई भी नंबर्स, व्हाट एवर द नंबर यू आर गोइंग टू एनालाइज इन योर एमएस एक्सेल शीट, यू हैव टू यूज सच काइंड ऑफ फॉर्मूलास। तो यहां पर आके अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है तो यहां पर आके आप लिखेंगे MAX इज इक्वल टू, फॉर्मूले को लिखने के लिए मैक्स लिखेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी रेंज है जिससे मालूम करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इस पूरी रेंज में 19 एक आई होप सबसे बड़ा नंबर है, ऐसे ही है ना, तो ये मालूम करके बता देगा कि आपके पास ये जो नंबर है वो 19 मैक्सिमम नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर। फिर एक फार्मूला होता है मिनिमम, जिसके थ्रू आप मालूम करते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिनिमम। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर वो रेंज देंगे आप कि कहां से लेकर कहां तक वो वैल्यूज हैं जिनमें से मालूम करना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है, सही है। उसके बाद आप इंटर कर लेंगे तो आपको ये बता देगा कि सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी हमारी, 12 है। लेकिन अगर आप वैल्यूज के अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे तो देखें ऑटोमेटिक फार्मूला तो लगा हुआ है ना, तो बताता जाएगा, और जो जो फार्मूले आपने अप्लाई कर दिए हैं वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होते जाएंगे, सही है। कल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब डेटा देते हैं या हम शीट्स बना के देते हैं तो डेटा डिलीट करके दे देते हैं, सही है? या डमी वैल्यूज होती हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बैठ के अपनी वैल्यूज इस तरह से दे रही होती है और उसके हिसाब से फार्मूलाज अपना काम दिखा रहे होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है?
ठीक है, फॉर्मूला एक बार अप्लाई करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो सैंपल शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा एंट्री पे बंदा होता है वो सिर्फ बेड के नंबर ऑफ वैल्यूज इंसर्ट करता है और हमारा फिर पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई होता है और पूरी एनालिसिस करके आपको इस आउटपुट दिखा रहा होता है, जैसे आप अभी देख रहे हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास एक राइट, दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस व्हिच इज यू कैन से इन होम टेप, जो हमारे मोस्टली यूजफुल होते हैं और हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी,